हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रीना जैन और मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बच्चों की एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जो है तो बहुत ही छोटी प्रॉब्लम और साथ ही बहुत कॉमन है, लेकिन अगर इसे ठीक से हैंडल ना किया जाए तो जी का जंजाल बन सकती है, बहुत भारी मुसीबत बन सकती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों के टेम्पर टैंट्रम्स। जी हाँ, सही सुना आपने, बच्चों के टेम्पर टैंट्रम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टेम्पर टैंट्रम्स क्या होते हैं, टेम्पर टैंट्रम्स को कैसे पहचाने, ये बच्चों में क्यों होते हैं और कौन सी एज है जिसमें बच्चे टेम्पर टैंट्रम्स दिखाते हैं। टेम्पर टैंट्रम्स दिखाने का हर बच्चे का एक अलग तरीका होता है और कई बार तो एक ही बच्चा अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से टेम्पर टैंट्रम्स दिखाता है। तो जब टेम्पर टैंट्रम बच्चे को आता है तो हो सकता है वो जोर जोर से चीखे, रोए, चिल्लाए, जो भी हाथ में या सामने चीज मिले उसे धड़ाम से फेंक दे, हाथ चलाए यानी कि मारे पीटे, कई बार लाते चलाते हैं बच्चे और कुछ केसेस में बच्चे जमीन पर लौट जाते हैं और जोर जोर से चीखना चिल्लाना करते हैं। बहुत एक्सट्रीम केसेस में यह भी हो सकता है कि बच्चे सांस रोक लेते हैं, विच कैन बिकम वेरी वेरी डेंजरस एट टाइम्स। टेम्पर टैंट्रम्स सबसे ज्यादा 1-3 की एज में होते हैं, यानी 1 साल से 3 साल के बच्चे सबसे ज्यादा टेम्पर टैंट्रम्स दिखाते हैं। इस एज में उनकी वोकैबुलरी बिल्कुल डेवलप नहीं हुई होती है, तो वे जो चाहते हैं या किसी चीज से अगर वे अपसेट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो वे उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके पास वर्ड्स नहीं होते जिनसे कि वो जो फील कर रहे हैं वो अपना दूसरों को समझा पाए, तो वो जो भी चाहते हैं उसे रो रो कर, चीख चीख कर और एक्सप्रेस करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और उनकी वोकैबुलरी डेवलप होती जाती है, उनके टैंट्रम्स थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरी चीज ये भी होती है कि हम अपने बच्चों को बेटर समझने लग जाते हैं, तो उनकी जरूरत जैसे ही खड़ी होती है उससे पहले ही हमें समझ आ जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए और कई बार हम पहले ही कर देते हैं, तो बच्चे को टेम्पर टैंट्रम थ्रो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब समझते हैं इन टेम्पर टैंट्रम्स के रीजंस। सबसे पहला रीजन है कि टेम्पर टैंट्रम्स बच्चे तब थ्रो करते हैं जबकि वे इमोशनली अपसेट होते हैं। अब ये इमोशनली अपसेट होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार समझ लीजिए कोई ऐसा बंदा घर का जो कि बच्चे से काफी ज्यादा अटैच है, उसे कहीं जाना पड़ रहा है। समझ लीजिए बच्चा अपनी दादी से या दादाजी से बहुत ज्यादा अटैच्ड है और उन्हें कुछ समय के लिए कहीं जाना पड़ रहा है। बच्चे के पास वोकैबुलरी नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर सके कि वो क्या फील कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में बच्चा रो रो कर हमें समझाता है कि उसे दादाजी का या दादी जी का यहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस एज में यानी कि 1 से लेकर 3 साल की एज में बच्चों को शेयरिंग की समझ नहीं होती, तो अगर हम इंसिस्ट करते हैं कि बच्चा अपने टॉयज किसी और से शेयर करे तो वो अपसेट हो जाता है। वह अपने टॉयज बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता और ये एक उसके लिए बड़ा ही स्ट्रेस का, फ्रस्ट्रेशन का रीजन हो जाता है और वो बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करता है। कई बार बच्चों में सोशल स्किल्स की भी कमी होती है। इस एज में बच्चों को दूसरों से इंटरेक्शन करने में कई बार प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स के साथ में उन्हें नहीं समझ आता कि उन्हें क्या बातें करनी है, तो जब आप इंसिस्ट करते हैं कि वो फ्रेंड से बातें करें और इंटरेक्ट करें तो वे अपसेट हो जाते हैं और फिर दिखाई देते हैं बच्चों के टैंट्रम्स। सबसे कॉमन रीजन बच्चों के टैंट्रम्स का होता है कि बच्चे ने बाजार में या अपने फ्रेंड्स को यूज करते हुए कोई चीज देखी, जैसे ही बच्चा वो चीज देखता है उसे भी उसी चीज को यूज करने की इच्छा होती है और वो आपसे उसी चीज को मांगता है। आपको लगता है कि बच्चे को अभी उस चीज की जरूरत नहीं है, क्या ये चीज उसे आप अभी नहीं दिखलाना चाहते। इस सिचुएशन में बच्चा जिदें कर कर, टैंट्रम्स थ्रो कर आपको बताता है कि उसे ये चीज बस चाहिए ही चाहिए। कई बार यही चीज
खाने में भी होती है। बच्चे को कुछ पर्टिकुलर चीज खानी है, हो सकता है चिप्स खाने हैं या फ्रेंच फ्राइज खानी है, और आप कुछ उसे हेल्दी खिलाना चाहती हैं। ऐसी सिचुएशन में बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं ये बताने के लिए कि उन्हें आपकी चॉइस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और वे वही खाना चाहते हैं जो उनके दिमाग में है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। हाँ, मेरे ये वीडियोस बनाने का पर्पस एक ही है कि मैं अपने 22 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस का जो बेनिफिट है वो अपने व्यूअर्स को दे सकूं। शायद अगर मेरे इन वीडियोस से आपको कहीं भी कुछ भी थोड़ी सी हेल्प होती है अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में, तो मैं समझूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो गया। हाँ, अपने फ्रेंड से जो कि सेम तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगी तो उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाएगा। हाँ, बच्चे जब बहुत थक जाते हैं या उन्हें जबरदस्त भूख लग जाती है तब भी वे बहुत जबरदस्त टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। बच्चों का मेन काम लाइफ में खेलना होता है, उन्हें खेल से बिल्कुल भी दूसरी चीजों का ध्यान नहीं आता। अगर वे खेल में लग जाते हैं तो भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखकर कि बच्चों का टाइम हो गया है या बच्चे को भूख लगी होगी, टाइम टू टाइम बच्चे को खाना देना पड़ेगा ताकि बच्चा ओवरली भूखा ना हो या ओवर टायर्ड ना हो। अगर ओवर टायर्ड भी होगा तो बच्चा बुरी तरह से टैंट्रम्स थ्रो करेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब बच्चों के डेली रूटीन में सडन चेंजेस होते हैं तब भी वे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, उनको इन सडन चेंजेस के साथ में एडजस्ट करना नहीं आता। उनका जब खाने पीने का टाइम या सोने का टाइम बहुत ड्रास्टिकली इधर उधर हो जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। हमारे बच्चों के टैंट्रम्स पे जो रिस्पॉन्स होते हैं उस पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे आगे फिर से टैंट्रम्स करेंगे या नहीं करेंगे। समझ लीजिए, हम उसके टैंट्रम से परेशान होकर और वो जो भी चाहता है वो बात मान लेते हैं। अब बच्चे को बहुत आराम से ये समझ में आ जाता है कि जैसे ही मैं रोऊंगा, चीखूंगा, चीजें फेंकूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, लातें चलाऊंगा तो मम्मा या पापा मैं जो भी चाहता हूँ वो कर देंगे, तो वही बिहेवियर वो फिर से रिपीट करता है। तो ये थे कुछ रीजंस जिनके कारण बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन टैंट्रम्स को बहुत आसानी से, बहुत शांति से कैसे हैंडल किया जाए ताकि हमारी लाइफ भी आसान हो और बच्चा भी बड़ी आराम से बड़ा हो जाए। सो सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।